भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुब्रमण्यम स्वामी का बयान मेरे पास है, जिसमें उन्होंने यूपीए 2 पर आरोप लगाया है कि उनके शासनकाल से बगिंग हो रही है, तो मैं उनकी बात का विश्वास करता हूँ। क्वेश्चन आवर सस्पेंड होना चाहिए। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सरकार के बड़े मंत्रियों की हुई थी बैठक, विपक्ष के हमले से निपटने की बनी रणनीति। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर दी सफाई, कहा मेरे घर जासूसी की खबर पूरी तरह गलत। नितिन गडकरी ने खबरों को बताया निराधार, बोले पहले दिल्ली का घर बताया, अब मुंबई का बता रहे हैं। 80% पहले दिल्ली का घर बताया फिर मुंबई का घर बताया, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, फॉल्स है और गलत है। नितिन गडकरी ने कहा मैं बार बार कह चुका हूं कि जासूसी की खबर में कोई सच्चाई है ही नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर बोले गडकरी, कहा स्वामी जी क्या कह रहे हैं उनसे पूछिए। बीजेपी सांसदों का बनेगा रिपोर्ट कार्ड, कैबिनेट विस्तार और संगठन में प्रमोशन में दी जाएगी तरजीह। सूत्रों के मुताबिक संसद में परखा जाएगा बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, कैबिनेट में जगह मिलने या संगठन में प्रमोशन से पहले रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फसलों की फील्ड ट्रायल पर रोक, पहले मोदी सरकार ने दी थी मंजूरी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिला था स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ ने भी जताया था एतराज। आज राजस्थान के सांसदों के साथ नाश्ता करेंगे मोदी, इससे पहले हिमाचल और हरियाणा के सांसदों के साथ बैठक कर चुके हैं प्रधानमंत्री। आज भारत आ रहे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी, भारत यात्रा से पहले कैरी ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। जॉन कैरी ने सबका साथ सबका विकास नारे को बताया बड़ी सोच, शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुलाने के लिए मोदी की सराहना। हरियाणा के कद्दावर कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह छोड़ सकते हैं पार्टी, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। बीजेपी उपाध्यक्ष प्रभात झा ने महंगाई का उड़ाया मजाक, बोले लाल गाल वाले खाते हैं टमाटर, पैसे वालों की पसंद है टमाटर। शिमला में बस हादसा, हिमाचल रोडवेज की बस खाई में गिरी, 19 की मौत, बस में सवार थे 26 लोग, घायलों को शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हिमाचल के कांगड़ा में खौफनाक हादसा, चलती कार पर टूटकर गिरी चट्टान, कांगड़ा के नगरोटा इलाके की घटना, कार में सवार 3 लोगों की मौत, कुल्हाड़ी से गाड़ी को काटकर शव को निकाला गया बाहर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवसेना कार्यकर्ताओं का हंगामा, कर्नाटक से आए मजदूरों और ड्राइवरों को धमकाया शिवसेना कार्यकर्ताओं ने, गाड़ियों पर लिखे कन्नड़ के नंबर को किया पेंट, टायरों से निकाली हवा। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में बाढ़ से बिगड़े हालात, 5 पुल और पुलियों के टूटने से टूट गया 100 गांवों के संपर्क, 3 साल पहले बना था पुल। हरियाणा के यमुनानगर में नहर की पटरी टूटने से खेतों में भरा पानी, सैकड़ों एकड़ के में खड़ी धान की फसल डूबी। कानपुर के ज्योति मर्डर केस में पति पीयूष ने कबूल किया अपना गुनाह, ड्राइवर के साथ मिलकर किया था पत्नी का कत्ल। पुलिस ने रात भर पीयूष से की पूछताछ, उसकी गर्लफ्रेंड के एसएमएस से हुआ खुलासा, कत्ल के दिन महिला मित्र को किया था करीब 150 एसएमएस। पुलिस ने पीयूष की महिला मित्र को सामने बैठाकर की पूछताछ, इसी के बाद पीयूष ने कबूला अपना गुनाह। पीयूष के घर के बगल में ही रहती थी उसकी महिला मित्र, पिछले 5 सालों से थी दोनों के बीच दोस्ती और संबंध।
पीयूष की महिला मित्र से पुलिस पूछताछ से हुआ खुलासा, कई और लड़कियों के साथ भी थे पीयूष के संबंध। कानपुर में हुई थी ज्योति की हत्या, पीयूष ने पुलिस को बताई थी कहानी, कहा था कि मेरी पत्नी की अगवा कर हुई हत्या। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल की हैट्रिक, भारतीय पहलवानों ने लगाई स्वर्ण पदकों की झड़ी। 74 किलो के फ्री स्टाइल कैटेगरी में सुशील कुमार ने जीता स्वर्ण पदक, पाकिस्तान के कमर अब्बास को हराया। इससे पहले अमित कुमार ने 57 किलो कैटेगरी में हासिल की सुनहरी कामयाबी, नाइजीरिया के विल्सन को दी मात। मनमोहन सरकार ने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को भारत रत्न देने के एकाएक रोका था, सचिन का नाम अचानक हुआ था फाइनल, आरटीआई में हुआ खुलासा। पहले हुई थी ध्यानचंद और प्रोफेसर सीएनआर राव की सिफारिश, लेकिन बाद में ध्यानचंद की जगह सचिन का नाम हुआ फाइनल। साउथहैम्पटन टेस्ट पर इंग्लैंड का शिकंजा, टीम इंडिया पर मंडरा रहा है फॉलो ऑन का खतरा। फॉलो ऑन बचाने के लिए भारत को अभी चाहिए 47 रन, भारत ने 323 रन पर गवा दिए हैं 8 विकेट। इंग्लैंड की पहली पारी से अभी भी 246 रन पीछे है टीम इंडिया, कप्तान पर फॉलो ऑन बचाने का दारोमदार। 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है कप्तान धोनी, दूसरे छोर पर है मोहम्मद शमी। अजिंक्य रहाणे और धोनी को छोड़कर कोई नहीं पार कर सका है 50 का आंकड़ा, धोनी ने बतौर कप्तान छक्कों के अर्धशतक का भी बनाया रिकॉर्ड। इसराइल ने गाजा के जबलियो इलाके पर की बमबारी, 13 फिलिस्तीनियों की मौत, हमले में कल के दिन कुल 82 फिलिस्तीनियों की मौत। इसराइल के समर्थन में म्यूनिख में रैली, आतंकी संगठन हमास से संघर्ष में 7 का किया वादा।